अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक मजेदार सी जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत हेल्दी भी है, और अगर आप लोग इसको अपने ब्रेकफास्ट में लें तो उसका एक जबरदस्त सा मजा होता है। इसका नाम है शशिका, ये एग से बनता है और बहुत ही, मैं कोशिश ये हमेशा ही करती हूँ मैं वही इंग्रेडिएंट यूज करूँ जो आपके पास हर जगह हर कंट्री में अवेलेबल हो। तो ये हमने एक अपना पैन रख दिया है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन रख दिया है, हम इसमें अपना ऑयल लेंगे। ऑयल अप टू यू है, आप लोग ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, और ये मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ऑलिव ऑयल ही पसंद है। ये तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। अब हम मैंने इसमें अनियन कट करके रख ली है, जो नॉर्मल साइज अनियन होती है वो मैंने कट करके रख ली है, जैसे अंडे में डलती है ये थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप चॉप कर लिया है। हम अपनी अनियन को पैन में डाल देंगे। और इसको हम हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना, बस हमें इतना इसको फ्राई करना है कि जिसे लाइक हल्का सा कच्चापन इसमें से दूर नहीं हो जाता, बस वो हो जाए। तो इसको हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखेंगे। और इसको हम बस 2-4 मिनट ही इसको हम ऐसे लाइक फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हम इसको अच्छी तरह, अच्छा इसी में मैंने ना गार्लिक चॉप करके रखा हुआ है, ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे। ये 3-4 गार्लिक लेकर ना अब ये भी हम इसी पॉइंट पर डाल देंगे अनियन के साथ ही, इसको भी हम चॉप करेंगे। ये मेरे पास एक बेल पेपर है, ठीक है, बेल पेपर यानी के शिमला मिर्च, राइट। तो इसको अब हम गार्लिक, ओहो इतनी अच्छी गार्लिक और अनियन की खुशबू आने लगी है, तो अब हम अपना बेल पेपर को लेंगे। रेड लेना जरूरी नहीं है, बट ये है कि रेड क्योंकि इसमें अच्छा रहता है तो रेड ही ले लीजिएगा। इसका जो सेंट्रल वाला पार्ट है बेल पेपर का, ये हम निकाल देंगे, ये जो चीज होती है ना इसको निकाल दें, ये हमें नहीं डालना है। आई थिंक ये सभी निकाल देते हैं जो उसके, हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। बस अनियन को हमें इतना ही कुक करना है कि इसका जो है, ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अमेजिंग है, मजे की बनती है और आई होप कि आप लोगों को अच्छी भी लगेगी क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में इसको मस्त लेते हैं, एटलीस्ट वीक में 3 डेज तो लेते हैं हम लोग, तो आप लोग भी देखिएगा। और इतनी कोई ऐसी रेसिपी भी नहीं है कि जिसको आप लोगों को ना मिले, और कोई चीज, सब घर में अनियन, गार्लिक, एग्स ये सब मौजूद होते हैं। हमें ये हाफ ही चाहिए, ज्यादा बेल पेपर नहीं, बस इतने ही हमें चाहिए। अच्छा ये देखें, जैसे प्याज ऑनियन जो है हमारी, प्याज जो है वो थोड़ी सी लाइट सा कलर आ गया, कच्ची पक्की है। अभी हम इसके अंदर जो हमने बेल पेपर कट किया था ये डाल देंगे। इसी के साथ ही ये हमारी टमाटर हैं। अच्छा टमाटर टोटली आप लोग चाहें तो थोड़ा सा मोटा मोटा भी काट सकते हैं, बारीक बारीक भी, और हमें इसमें थोड़ा सा जो टमाटर का जूस निकलता है ना वो भी होना चाहिए, थोड़ा सा
फ्लेवर अच्छा आ जाता है, ये देखें ऐसा ना जूस। एनीवे तो ये हमारे पास चार टमाटर हैं जो हमने चॉप करे हुए हैं विद जूस, ये हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं अपने मसाले या स्पाइस। इट्स टोटली अप टू यू है कि आप लोग कौन से स्पाइस देना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्पाइस इसमें जैसे बहुत सारे लोग मिर्ची ज्यादा खाना पसंद करते हैं बट इसमें इतनी ही डलती हैं, तो ये हमारी हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है यानी कि लाल मिर्चे, 1 टीस्पून ऑर्गेनो है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून ब्रेजल है, 1 टीस्पून ये हमारा पार्सले है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट इज अप टू यू कि आप लोगों को कैसा सॉल्ट पसंद है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है और पिंच ऑफ हल्दी है। तो ये सारे इसमें चले जाएंगे। आप लोग इसमें जो भी कम ज्यादा मसाले कर सकते हैं टोटली के आप लोगों को कैसे जो चीज नहीं अवेलेबल हो उसको, जैसे ऑर्गेनो वगैरह, तो फिर आप लोग स्किप करके भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ना बने, बस थोड़ा सा लाइट सा टेस्ट में डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क हो जाता है, बट खा सकते हैं, अच्छा टेस्ट बन सकता है। कोशिश करिएगा अगर मसाले हो तो आप उसको ही डाल लें। अच्छा ये देखें, हमें इसको थोड़ा सा बनाते हुए ना 5 से 7 मिनट हो गए। इसका थोड़ा सा जब हो जाएगा तो हमें टमाटर वगैरह को अच्छी तरीके से भून लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखें अब इसमें हल्का हल्का सा जूस है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं ना, तो वो इसमें से काफ़ी हद तक वो हो गया, लेकिन अभी भी जो है वो है। तो ये देखें अब हमने जो है वो एग ले लिए हैं, ये हम एक एग लेंगे तो ओपन करके एक बॉल में निकाल लेना है पूरे एग को, और उसके बाद हमें ऐसे थोड़ी सी जगह बनानी है, ठीक है। और ये एग बिल्कुल ऐसे ही डाल देना है, ठीक है। ऐसे ही हमें ये उसका एग लेना है, इतना हमें ऐसे बाउंड्री कर देनी है ताकि अब हम ये यहाँ पे दूसरा एग लेंगे। ये हम दूसरा एग लेंगे, अच्छा। इस मसाले को आप लोग स्टोर करके दूसरे दिन भी यूज कर सकते हैं, अगर एग फिनिश हो जाए तो दूसरे दिन भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमने तीसरा डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको टू से थ्री मिनट इसको हो गए हैं, अब हम इस पे लेड लगा देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो 10 मिनट्स बाद हम इसको टच नहीं करेंगे, 10 मिनट्स बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट्स में। ये देखें इसको 8 to 10 मिनट्स, ऑलमोस्ट 8 मिनट ही लगे हैं, और ये देखें इसका ऐसे आएगा, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये रेडी है। अब हम अपना फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये रेडी हो गया है। कितनी मजेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। हम इसको एक को हम
दिशा करते हैं। ये देखें, वाव, इट्स सो गुड। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये देखें, सो गुड। मैं आपके सामने ट्राई भी कर लेती हूँ। सो गुड। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।